ये है ना, इस क्रिएशन से तुम मान लीजिए आप एक्वस को छोड़ो, आप ले लो अगर यहां Ag2O, नम Ag2O है ना, या मोइस्ट जो Ag2O है वो ले लिया, तो चाहे आप क्या बने Ag2O अगर आप ड्राई लेते हैं ना भाई तो आर वार है ना, और ये अगर मान लो Rx की रिएक्शन आप AgOH के साथ करवाओ तो सही ना भाई, ठीक है। अब चलो प्रिपरेशन मेथड तो पढ़ी रहे, इसी को पढ़ लेंगे पहले, इसी को पढ़ लेंगे, चलो लिखो प्रिपरेशन मेथड। प्रिपरेशन मेथड और फर्स्ट यही ले लेने पड़े ना, बाय एल्किल हैलाइड, पहला ये ले लिया पढ़, चलो बाय एल्किल हैलाइड है ना, देखो भाई आप ले लें क्या KOH एक्वस NOH एक्वस है ना, या AgOH एक्वस या Ag2O, इनमें से कोई सा ले लें, इनमें से कोई सा ले लें, ठीक है। रिएक्शन क्या होगी कि जो आर एक्स है KOH के साथ रिएक्शन करवाओ, KOH एक्वस है, क्या बाहर निकल जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस आर एक्स, आप कोई सब ले लें, सपोज आपने CH3CH2Br ले लिया, एथिल ब्रोमाइड ले लिया, एथिल ब्रोमाइड की रिएक्शन आप किसके साथ करवा दें, AgOH के साथ करवा दें, क्या बाहर निकल जाएगा बताओ, AgBr बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा CH3CH2OH प्लस AgBr बाहर, सही है ना। तो Ag2O नम या मोइस्ट के साथ रिएक्शन करवाओगे तब भी ऐसी होगी भाई, ठीक है, क्योंकि ये ऐसे है, देखो AgOAg और इसमें पानी भी है, ठीक है, तो देखो दोनों क्या बना देंगे, बताओ क्या बन गया, AgOH बन गया भाई, सही है कि नहीं। तो नम Ag2O का मतलब AgOH होता है, ठीक है ना, तो चाहे आप Ag2O मोइस्ट लिख दें और चाहे AgOH एक्वस लिख दें, बात एक ही है, बात एक ही है, किसी के साथ भी रिएक्शन करवाओ क्या बनेगा बताओ, एल्कोहल बनेगा भाई, सही है, क्या बनेगा। अब मैं इसमें एक रिएक्शन बताऊं, रिएक्शन ये है, ये Br KOH डाला मैंने एक्वस, क्या होता है Br हट जाएगा, वो कार्बन कितने इसमें, एक दो तीन कार्बन वाला एल्कोहल बन जाएगा, ये लो बोलो सही, ठीक है ना, और ये बना है कौन सा, प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल, बोलो सही, वन प्रोपेनॉल है ना, OH OH कौन सी पोजीशन पे है, सही है, OH कौन सी पोजीशन पर आ गया, वन प्रोपेनॉल। अब मैं आपसे कहूं कि इसी से आप बनाओ टू प्रोपेनॉल, वन तो बन जाएगा, बढ़ गया ना, क्यों एच डाल दो वन बढ़ गया, बी आर हट जाएगा, वो चल जाएगा,
इन टू बनाने क्या हो, टू कैसे बनाए? इसमें डायरूटेस्ट सपोर बदल इससे ये बनेगा, कैसे बनेगा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। वन ब्रोमो प्रोपेन से टू ब्रोमो बना लो चाहे, लो वन से टू बना लो चाहे, पहली पोजीशन पे भी या दूसरी पे लाना, बड़ा सिंपल है यार। इसकी एलिमिनेशन कर दो पहले, पहले इसकी एलिमिनेशन करो। एलिमिनेशन करोगे तो क्या करोगे, गर्म करोगे किसकी उपस्थिति में? एल्कोहलिक KOH एलिमिनेशन है भाई। देखो दोनों रिएक्शन एक साथ बता रहा हूं, एक्वस लोगे तो एल्कोहल बनेगा और एल्कोहलिक लोगे तो एलिमिनेशन होगा। एलिमिनेशन कैसे? Br जिस कार्बन से जुड़ता हो अल्फा और उसके नजदीक बीटा, अल्फा से जाएगा Br, बीटा से जाता है H, HBr बाहर क्या बनेगा बताओ? रिएक्शन एलिमिनेशन, दो रिएक्शन एक साथ चलती है। इधर वाली तो कौन सी है? SN भाई, और ये कौन सी है? एलिमिनेशन। कंपटीशन भी पढ़ लिया अपन, ठीक है, अब दोबारा ध्यान देनी पड़ा, कोई बात नहीं। आप KOH एक्वस का मिलोगे ना भाई, तो KBr बाहर, Br की जगह OH आ जाएगा, और एल्कोहलिक KOH लोगे तो एलिमिनेशन होगा। Br जिस कार्बन से जुड़ता है अल्फा, उसका निकट वाला बीटा, अल्फा से Br और बीटा से HBr बाहर, और अल्फा बीटा के बीच क्या जाएगा? डबल। अब इस पर HBr का एडिशन करवाओ, परऑक्साइड की प्रेजेंस में। दोनों ही करवा दूं? दोनों ही करवा दो, चलो HBr का योग करवाओ। H वहां जुड़ेगा तो H ज्यादा हो, मार्कोनी को यहां कितने H है? दो H है यहां, यहां कितना H है? क्योंकि इसकी तीन वैलेंसी होगी ना, तो यहां तो एक H है भाई और यहां दो H है। मार्कोनिकोफ क्या कहता है? H वहां जुड़ता है जहां H ज्यादा हो, तो यहां तो जुड़ेगा H और यहां भी यार टू ब्रोम आ गया ना। बोलो सही, और इस पर अगर HBr परोक्साइड लें तो एंटी, H वहां जुड़ेगा जहां H, तो यहां तो क्या जुड़ेगा? और यहां वन बन गया। अब डाल दो इसमें क्या, ये डाल दो कोई सब्जी डाल दो, KOH बता रहा ना, KOH डाल दो, एक्वस NOH डाल दो, एक्वस, इससे तो क्या बनेगा? टू एल्कोहल बनेगा, ये लो, और इससे बनेगा अपने साथ तो इससे आप, ये वन पे है ना, वन ब्रोमो से टू ब्रोमो बढ़ा सकते हैं, ध्यान रखना। तरीका मैंने बता दिया वन से टू बढ़ाने का, बड़ा अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। वन ब्रोमो से टू ब्रोमो कैसे बनाओ, ठीक है ना, ये प्रश्न है। और ऐसे ही वन पे OH तो आराम से आ सकता है, टू पे कैसे आए? पहले इसकी एलिमिनेशन करो, फिर वापस HBr एडिशन करवाओ, फिर बनेगा, ठीक है ना भाई। तो पहली रिएक्शन होगी अल्कोहल बनाने की, कौन सी? RX की रिएक्शन किसके साथ करवाओ? ठीक है, RX की रिएक्शन KOH के साथ कराओ, बड़ी सिंपल रिएक्शन है, KX बार ROH बन जाएगा, ठीक है ना भाई। लिखो, ये तो फर्स्ट होगी, वो हो गया, फर्स्ट हो गई, ये सब मैं आगे निपल करता हूँ। ये कौन सा ब्रोमो है वापस बताओ? वन ब्रोमो से टू ब्रोमो बनाना हो एलिमिनेशन, सही है। और मान लो इसकी Br की जगह Cl लाना हो तो बताओ, वन ब्रोमो से वन क्लोरो बनाना लगाओ, मतलब Cl की जगह Br की जगह Cl लाना है सर, सिंपल है, डार्जन कर दो इसके आगे, OH तो आई गया, डार्जन कर दो ना आगे, क्या डालू? एसोसिएटेड प्रोटीन,
नारजन कर दो, पीसीएल 5 डाल दो, पीसीएल 3 डाल दो, लुकास डाल दो, हैं वो सब करके वो ये चल जाएगा, क्या जाएगा बताओ। सही है नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। बीआर की जगह अगर मुझे एनएच टू लाना होता तो बता था एनएच टू कैसे लाएं। केसी देखो सही है, ठीक है ना भाई। अगर डायरेक्ट रिडक्शन करवा देता तो ना केसी ने, देखो भाई मेरी बात सुना, एक बार डांस सुना इसने क्या किया, और तुमने भी क्या क्या अगर किसने किया हो तो, ये भी आ रहा है, इसकी रिएक्शन करवाई आपने केसी के साथ, बड़ी बात है। सीएन आ जाएगा, आ गया सीएन, आप क्या करवाओ इसका, बाहर से भी हेड लाइसेंस करवाओ तो सीएन एम बैड बदल जाएगा, सही है ना। अब इसकी हाफ मान ब्रोमाइड कर दो, क्या डालो बी आर टू के एच, तो क्या हो जाएगा बी इसका, बिल्कुल सही है, सही है कि नहीं। बड़ा सिंपल तरीका ये भी था, इसको और अमोनिया को एक बंद नली में गर्म कर दो, एक एच बी आर बाहर एन एच टू आ जाएगा, ठीक है ना भाई। ये तरीका भी है, एमिन वाला चैप्टर में बताऊंगा इसको मैं, ठीक है। तो ये तरीका भी हो, कौन सा आसमान, ये भी होफमान ही है और ये भी होफमान ही है, वो होफमान अमोनी डिकम्पोजिशन, होफमान अमोनी डिकम्पोजिशन है और ये होफमान ब्रोमाइड है। होफमान तीन आती हैं, तीन आएंगी, एक होफमान मस्टर्ड ऑयल और आएगी, मस्टर्ड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल सरसों का तेल, सरसों के तेल जैसी गंध आएगी, ठीक है ना भाई, मस्टर्ड ऑयल और आएगी। तो उपमा तीन आएगी, एक साथ बताएंगे तीनों को, खैर छोड़ बात को, पहले रिएक्शन हो गई है, पहले रिएक्शन क्या हुई बताओ, रिएक्शन ये हुई कि इस आर एच की रिएक्शन के ओ एच के साथ करवाओ, क्या बाहर बोलो, क्या बाहर एल्कोहल बढ़ जाएगा। सुन लो भाई, इधर सुनो, इधर सुनो, जल्दी सुनो, देखो ये आर एक्स है, आर एक्स की रिएक्शन ए जी ओ एच के साथ करवाओ, बताओ क्या बाहर एल्कोहल बढ़ गया ना, एल्कोहल बढ़ाने का मेथड हो गया ये पहला। एल्कोहल बढ़ाने का दूसरा मेथड बड़ा इंपॉर्टेंट है भाई, बाई एल्कीन, और आज मैं एल्कीन की रिएक्शन कंप्लीट फ्री कर दूंगा यार। एल्कीन की रिएक्शन कौन कौन सी आ गई, एक एच बी आर का युग आ गया, बी आर टू सी सी एल फोर डालने पर कलर उड़ जाता है, एक वो आ गई है ना। आज देखो एल्कीन की तीन रिएक्शन आई है भाई, पहले लेता हूं मैं, बाई मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, मर्क्यूरेशन डी मर्क्यूरेशन, डी मर्क्यूरेशन का मतलब पहले मर्क्यूरी जुड़ जाएगी फिर मर्क्यूरी हट जाएगी, ठीक है। सी एच थ्री सी डबल ओ माइनस क्या होता बताएं, एसिटेट आयन है, एसिटिक अम्ल का एच जोड़ दो, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल का ऋण आयन है एसिटेट आयन, है ना, एसिटेट आयन है। और एच जी प्लस टू क्या होता भाई, मर्क्यूरिक रस या रिक, रस तो प्लस वन होता है, प्लस टू है ये मर्क्यूरस, मर्क्यूरिक तो प्लस टू है, मर्क्यूरिक है ये, क्या है बोलो, मर्क्यूरिक। और दोनों को जोड़ दूं तो मर्क्यूरिक एसिटेट बन जाएगा भाई, सही है कि नहीं, क्या बन जाएगा
मर्क्यूरिक एसिटेट, ठीक है। अब इस मर्क्यूरिक एसिटेट को ऐसे लिख दो तो कोई दिक्कत थोड़ी है, देखो एसिटाइल होता है, देखो एक एसिटेट है ना। अगर मान लो मैं इसको यहां से तोड़ू, यहां से, तो बताओ ओ पर कैसा चार्ज आएगा, एच जी पर कैसा चार्ज आएगा, ओ पर बोलो ओ पर तो नेगेटिव आएगा भाई, फोन कर लेना है ना, ओ की यंग बहुत ज्यादा है, तो इस पर नेगेटिव आएगा, इस पर पॉजिटिव, अगर इसको तोड़े तो है ना। अब मान लो मैं पानी लेता हूं यहां, तो पानी में एच प्लस ओ एच माइनस, एच तो किसके साथ मिल जाएगा, सी एच थ्री सी डबल ओ एच एसिटिक अम्ल, और इधर क्या बच गया, सी एच थ्री सी डबल ओ एच जी प्लस और ओ एच माइनस, ओ एच माइनस ये प्लस ये माइनस, दोनों की रिएक्शन होगी। इधर क्या बना, सी एच थ्री सी डबल एच, इधर ओ एच माइनस और एच जी प्लस, ये बच गया। अब मैं रिएक्शन करवा रहा हूँ वो समझना। अभी तो मैंने ये बताया रहा है ये एसिटेट क्या होता है, मर्क्यूरिक क्या होता है, मर्क्यूरिक एसिटेट क्या होता है, इसको कैसे लिखते हैं, रिएक्शन नहीं बताई, रिएक्शन अब स्टार्ट होगी, ध्यान देना। आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इस पर मैं एडिशन करवा रहा हूँ पानी का और मर्क्यूरिक एसिटेट का, पानी और मर्क्यूरिक एसिटेट का THF की प्रेजेंस में, THF होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, THF क्या है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, ये फ्यूरेन है भाई, फ्यूरेन ये तो पिरोल बना दिया मैंने, ये फ्यूरेन है ना, ये फ्यूरेन है, और इसके मैं ये दोनों डबल बॉन्ड हटाकर चार एच जोड़ दूं, चार एच जोड़ दो, बताओ क्या बन जाएगा, चार एच जोड़ दिए तो THF बन गया कि नहीं, सही है। फ्यूरेन के चार एच जोड़ दो, फ्यूरेन के चार एच जोड़ दो, क्या बन जाएगा वो टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। अब रिएक्शन करा रहा हूं सुनना भाई, R कौन सा प्रभाव दर्शाता है, प्लस I, सभी एयर के लिए प्लस आई शो करते हैं, प्लस आई का मतलब इलेक्ट्रॉन देना या खींचना, देना होता है प्लस आई का मतलब, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा या फिर मतलब धक्का देगा, धक्का देगा तो इलेक्ट्रॉन पहली तरफ चल जाएंगे, कौन से पाई इलेक्ट्रॉन, पाई इलेक्ट्रॉन इधर आ गए, ये होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन। ऐसे बनते कैसे, कार्बन कार्बन के पी कक्षक पी ऑर्बिटल अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग कर लें, ऊपर नीचे ये दोनों पाई बन जाएगा। अब ये पाई इस कार्बन की तरफ भी जा सकते हैं और इस कार्बन की तरफ भी जा सकते हैं, डिपेंड करेगा कि प्लस आई इधर जुड़ रहा है इधर जुड़ रहा है। मान लो आपने आर इधर जोड़ दिया तो ये क्या करेगा, धक्का देगा, धक्का देगा तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आ जाएगा, बात समझ आ गई। तो ये R प्लस आई शो कर रहा है, धक्का देगा पहली तरफ चले जाएंगे, पहली तरफ चले जाएंगे इस पर चार्ज नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव आ गया। इसमें देखो एसिटेट आयन दो हैं, एक एसिटेट आयन तो H को लेके चल जाएगा, एक एसिटेट आयन H को लेके चल जाएगा, एसिटिक अम्ल बाहर, ठीक है, एक एसिटिक अम्ल बाहर, यहां लिख दूं मैं, बाहर निकल गया कौन, एक तो गया, अब क्या क्या बचा भाई, एक तो ओ एच माइनस और एक एच जी प्लस, एच जी प्लस और ओ एच माइनस बचा। इस पर कौन आएगा बताओ, इस पर ओ एच माइनस और इस पर एच जी, एच जी एच तो गया भाई, सही है ना, इस पर कौन आएगा दोबारा बताओ, और इस पर सही है, ठीक है। अब इसका आगे अपन करवाएंगे रिडक्शन में,
देखो मरकरी जुड़ गया भाई, पहले मरकरी जुड़ गया तो मर्क्यूरेशन हो गया ये। अब मैं मरकरी को हटाऊंगा, ठीक है, मरकरी हटाऊंगा तो मैं इसका रिडक्शन करूंगा। एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है सोडियम बोरोहाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड का क्षारीय सॉल्यूशन ले लो, सोडियम बोरोहाइड्राइड का। सोडियम बोरोहाइड्राइड क्या करता भाई, रिडक्शन, और रिडक्शन का मतलब एच जुड़ना या एच हटना, जुड़ना, एच जुड़ना, ये एच जुड़ेगा भाई। कैसे जुड़ेगा देखो, इसको ऐसे तोड़ेगा, ये ऐसे तोड़ देगा, एक एच यहां जुड़ जाएगा, एक एच यहां जुड़ जाएगा, एच जी बाहर, इधर से चलो आप, तो तोड़ दिया ना इसको, इधर से चलो, क्या बना आर सी एच, सी एच के नीचे बोलो ओ एच, अब सी एच टू था एच आ गया ना, सी एच थ्री प्लस बस टूट गया ना, नीचे क्या बच गया, नीचे एच जी, और इधर क्या बच गया, सी एच थ्री सी डब्लू एच, बोलो सही, यस सर, सी डब्लू एच। इस प्रकार से रिएक्शन होती है। रिएक्शन को ऐसे नहीं करेंगे अपन, ये तो मैंने बताया कैसे कैसे क्या एडिशन होता है, ऐसे रिएक्शन याद नहीं करेंगे अपन, बहुत बड़ी हो जाएगी, टिपिकल हो जाएगी, गड़बड़ कर दोगे, इसलिए मैं क्या करता हूँ, इस रिएक्शन को ऐसे बताता हूँ, आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, इस पर पानी जोड़ दो, फर्स्ट क्या डालोगे, मर्क्यूरिक एसीटेट, सही है ना, इसको भी यहां से हटा दो, मर्क्यूरिक एसीटेट का एक्वस सॉल्यूशन इसकी प्रेजेंस में टीएचएफ, फर्स्ट तो ये डाला आपने देखो, सेकेंड फिर आपने सोडियम बोरो हाइड्राइड का बेसिक सॉल्यूशन लिया, यही क्या ना देखो फर्स्ट सेकेंड, ठीक है, और लास्ट में क्या करें, पानी जोड़ दें मार्कोनिकोफ नियम अनुसार। मार्कोनिकोफ कहता है एच वहां जोड़े जाए, एच की संख्या, तो यहाँ तो क्या जुड़ जाएगा एच, और यहाँ बस देख लो, देखा प्रोडक्ट सही है, बस फर्स्ट सेकंड याद करो, ये वाली रिएक्शन याद करनी जरूरत नहीं, फर्स्ट सेकंड याद करो, ठीक है। दूसरी रिएक्शन, अब कोई सा एग्जांपल ले लें, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू, क्या लिखना है, फर्स्ट और सेकंड, सी एच थ्री सी एच थ्री सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच टू, ठीक है, क्या लिखना है, फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट क्या लेंगे आप, पानी, सॉल्वेंट कौन सा, सेकंड सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये सही है, पानी जोड़ देंगे किसके अनुसार, बताओ मार्कोनिकोफ भाई, यहां तो क्या जुड़ेगा बताओ, यहां बस रिएक्शन होगी भाई, ठीक है, कैसे रिएक्शन है, बोलो एच कहां जोड़ू, एच कहां जोड़ू, है कौन से पे जोड़ू, इस पे कोई से भी जोड़ दो यार, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि इधर से जोड़ोगे तब भी OH दूसरी पे आएगा, इधर से जोड़ोगे तब भी दूसरी पे आएगा, टू हाइड्रोक्सी होएगा, चाहे इधर से जोड़ दो चाहे इधर से जोड़ दो, कोई डिफरेंस ही नहीं है, और वैसे भी आपको पता है, हाँ सिमेट्रिक है, दिक्कत मार्कोनिकोफ को कब याद किया जाता है, देखो इस कार्बन पर दो एच है, इस कार्बन पर एक एच और एक सी एस थ्री है, तब कहेंगे मार्कोनिकोफ को एच वहां जोड़ो जो एच ज्यादा हो, यहां कितना एच है, एक दो तीन वैलेंसी हो गई, एक एच है, यहाँ कितना एच है, यहाँ भी एक एच है, तो यहाँ मार्कोनिकोफ याद किया ही नहीं जाएगा, कहीं जोड़ दो,
यहां एच और यहां ओ एच, यहां तो क्या जोड़ू एच, यहां ओ एच। बताओ इसका नाम क्या होगा? टू ब्यूटेनॉल है। और अगर मैं ओ एच ऊपर नहीं जोड़ के यहां जोड़ देता तो ब्यूटेनॉल। तो संबंध में कहीं जोड़ दें कोई दिक्कत नहीं आती है ना। ये क्या है, संबंध है क्या? संबंध है, कहीं जोड़ दें इसमें, इसमें भी कहीं जोड़ जोड़ दें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, तो ये हो गया आपके पास पहला मर्क्यूरेशन। और दिक्कत बताओ, सेकंड लेते हैं भाई अपन। हाइड्रेशन, कैटालिटिक हाइड्रेशन भाई, हाइड्रेशन वही होता पानी जुड़ेगा यहां भी। ठीक है, ये उतार रखना। हाँ देखो भाई, कैटालिटिक क्या होगा? देखो ये बताओ, डाइल्यूट H2SO4 क्या करता है? पानी जोड़ता है और कंसंट्रेट पानी बाहर निकालता है। सही है ना, तो मैं डाइल्यूट काम में लूंगा, पानी जोड़ देगा ना वो। ठीक है, देखो आर सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू है ना, पानी जुड़ जाएगा एच टू ले लू, किसकी प्रेजेंस में? वही मार्कों को एच, यहाँ कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ। ये लो, सही है। अगला एग्जांपल, ठीक है, क्या जोड़ना है? पानी जोड़ना है, किसकी प्रेजेंस में? अरे मार्कोन को भी ये कहता है एच वहां जोड़ो जहाँ एच की संख्या टू है। ये इस कार्बन पे एक एच है, इस कार्बन पे दो एच है, एडिशन हमेशा डबल या ट्रिपल पे होगा। कभी आप सोचो भाई एच वहां जोड़ो जाए एच की संख्या ज्यादा और यहाँ जोड़िया हो, क्योंकि यहाँ तीन है ना, कितने एच है यहाँ? तीन एच, एक एच और चार हो जाएंगे, एक बैलेंस और पांच हो जाएंगे ना। तो यहाँ तो क्या जुड़ेगा बताओ एच, और यहाँ सही है ना भाई? इस पर भी हो जाएगा ना, हो जाएगा ना इस पर। ठीक है, एक एग्जांपल और देखें भाई, अच्छा एग्जांपल है ध्यान दें। एग्जांपल ये है, मान लो ठीक है पानी जोड़ो किसकी प्रेजेंस में? डाइल्यूट H2SO4 की प्रेजेंस में। ठीक है भाई, H वहां जुड़ेगा जहां H की संख्या ज्यादा हो। ठीक है,
बोलो भाई, सुन पाया नहीं? नहीं सुन पाया ना? ठीक है, इसमें क्या होगा देखो भाई, इसके मैकेनिज्म बताता हूँ आपको मैं ना, उसकी मैकेनिज्म इसकी मैकेनिज्म साथ साथ ही आ जाएगी। देखो ये सबसे पहले मैंने H+ का अटैक करवाया, सपोज बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ गए, इस पर नेगेटिव और इस पर पॉजिटिव, सही है, H यहाँ जुड़ जाएगा, बोलो सही है नहीं? H यहाँ जुड़ गया। अब किसका जुड़ना बाकी है? उसको यहाँ जोड़ दे, सही है, ऐसे ही तो होना चाहिए था ना, ऐसा नहीं होगा। वो सुनो क्या होगा इसमें, इसमें होगा अब मेथिल शिफ्ट। क्यों होगा? जिस कार्बन पर पॉजिटिव है वो अन्य कितने से जुड़ रहा है? दो से ना? नहीं, जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो अन्य तीन, अरे दो से यार, एक इधर एक इधर, दो से जुड़ रहा है, दो से जुड़ रहा है, तो ये 2 डिग्री कार्बो कैटायन है। कौन सा बताओ? 2 डिग्री कार्बो कैटायन। अगर मेथिल शिफ्ट हो जाए, मतलब ये मेथिल शिफ्ट हो जाए, यहां शिफ्ट हो जाए 3 डिग्री बन जाए, बोलो सही है? कैसे? CH3 CH2 पॉजिटिव। अब जिस कार्बन पे पॉजिटिव है वो अन्य तीन से जुड़ा है, कौन सा है बताओ? 3 डिग्री कार्बो कैटायन है, और 3 डिग्री कार्बो कैटायन ज्यादा होती है। अब अटैक कर जाएगा कौन इस पर? OH- भाई, अब OH- जोड़ दूं मैं, ठीक है भाई, तो ये प्रोडक्ट बनाया मैंने। अब तो सुनवा गया क्यों बना? अगर मान लो कहीं पर ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बनने की पॉसिबिलिटी हो ना भाई, तो प्रोडक्ट उसके अकॉर्डिंग बनेगा। यहां बनना तो क्या चाहिए था? सिंपल ये था, H यहां जुड़ेगा और OH यहां जुड़ेगा, ये बनना चाहिए था प्रोडक्ट। स्टेप चले, देखो बन गया 2 डिग्री कार्बोकैटायन, OH- जोड़ दो बन जाएगा। लेकिन अगर ये CH3 यहां से यहां चला जाए तो बताओ ये 2 डिग्री किसमें शिफ्ट हो जाएगा? 2 डिग्री स्टेबल। कौन सा ज्यादा स्टेबल है? 2 डिग्री कार्बन, बहुत ज्यादा स्टेबल है। yes, तो ये कार्बन क्या करेगा? इस CH3 को अपनी तरफ खींच लेगा, क्या बन गया बताओ? 2 डिग्री कार्बन, जिसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा है। अब इस पर OH मैंने सोल्ड, तो ये प्रोडक्ट बन गया। तो ये प्रोडक्ट कैसे बना सुनवाया कि नहीं? यस सर। ठीक है ना भाई, यानी ये प्रोडक्ट एग्जांपल है मेथिल शिफ्ट का। किसका एग्जांपल है? मेथिल शिफ्ट का एग्जांपल है भाई, ठीक है ना। तो ये बड़ा अच्छा एग्जांपल है कंपटीशन एग्जाम में, आप ये जरूर देख लिया करें भाई। डाइल्यूट H2SO4 लेकर के अगर आप पानी जोड़ रहे हो और वहां पर कार्बोकैटायन बना लेना, पहले ही कार्बोकैटायन बना के देखना, और अगर मान लो अगल बगल से कोई मेथिल आ सकता हो और उस मेथिल के शिफ्ट होने से 3 डिग्री बनता हो तो वहां मेथिल शिफ्ट होगा भाई, वहां मेथिल शिफ्ट होगा, ध्यान रखना, और उस मेथिल शिफ्ट से स्टेबल कार्बोकैटायन बनेगा। प्रोडक्ट इसी के अकॉर्डिंग बनेगा, प्रोडक्ट इसी के अकॉर्डिंग बनेगा। अपन जैसा सोच रहे थे वैसा नहीं बनेगा। मार्कोनिकोफ ने कहा H यहां जोड़ दो, H यहां जोड़ दो, ऐसा नहीं बनेगा यार, ठीक है। तो इस बात को अगर छोड़ें तो ये सन्मायक नहीं, पानी जोड़ दो किसके अकॉर्डिंग, ठीक है। रिएक्शन दो गई। तीसरी रिएक्शन है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन भाई। एल्कीन का क्या करेंगे अपन? हाइड्रोबोरेशन, हाइड्रोजन भी जोड़ेंगे और बोरॉन भी जोड़ेंगे, सही है कि नहीं? हाइड्रोजन भी जोड़ेंगे और बोरॉन, और पिछले वाले में क्या पढ़ा अपने? इसमें कैटालाइटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन। हाइड्रेशन का मीन्स क्या होता है?
पानी जुड़ जाएगा, पानी जुड़ा है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में, तो इसको आपने बोला कैटालिटिक हाइड्रेशन ऑफ एल्की। और ये चल रहा है हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन भाई। इसमें क्या बनाएंगे हैं? बन लिया पहले उधर देखो थैलिन रह लाडू हैं, तेरे को ये नहीं पता चल रहा बन क्या रहा है। चैप्टर कौन से चल रहा है ये बता, एल्कोल चलते एल्कोल बनाने की मेथड चल रहे हैं एल्कोल बनाने की मेथड चल रहे हैं। और पहला मेथड अपने पढ़ लिया आरएक्स से, चलो वापस रिपीट कर लूं। देखो पहला मेथड सारे एक साथ ले लूंगा मैं ना, पहला मेथड आपने क्या लिया आरएक्स में क्यों क्या क्या डाल सकते हैं आप, एनएच डाल सकते हैं कि ओएच डाल सकते हैं ईओएच डाल सकते हैं एजी2 डाल सकते हैं, सही है। इन सभी से क्या बढ़ेगा ये बाहर चल जाएगा ये वाला, ये सही है ना भाई। तो पहला मेथड तो ये था, दूसरा मेथड है एल्कीन से, और वो एल्कीन से चल रहा है एक साथ ले लूंगा जब आ जाएगा अपना आप ही, है ना। तो तीन लाइनें का है, हालांकि बहुत ज्यादा हो जाएगा लेकिन तीन लाइनों का ही होगा बस। हाइड्रोबोरेशन ऑफ एल्कीन देखो भाई, डाई बोरेन क्या होता है B2H6 क्या होता है B2H6। और ये B2H6 डाइबोरेन बनता कैसे है वो सुनो, मैं अगर मान लो BH3 की बात करूं, बोरोन फैमिली का कॉन्फ़िगरेशन बोलो S2P1 दो रेक तीन इलेक्ट्रॉन है, तो ये अगर बोरोन तीन हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग कर ले तब भी दो 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 छह इलेक्ट्रॉन ही हुए, तीन बॉन्ड बना रहा तो छह हुए भाई, एक बॉन्ड में कितने होते हैं दो होते हैं, कितने हुए छह ही हुए। ऑक्टेट कंप्लीट हुआ क्या नहीं, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ किसका BH3 का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए ये अपना क्या बनाता है डाइमर, और अपना डाइमर बनाता है कौन सा B2S6। तो BH3 लिख सकता हूँ या डाइबोरेन B2S6 लिखता हूँ, बात एक ही है भाई ना। रिएक्शन को इधर लिखूंगा देखो R CH डबल बॉन्ड CH2 और या इधर ही लिखते हैं क्या R CH डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन है yes, तीन मोल ले लिए मैंने, हाफ B2H6 सॉल्वेंट THF, हाफ B2H6 का मतलब BH3, हाफ B2H6 का मतलब BH3। एक एच यहां जोड़ो, एक एच यहां जोड़ो, एक एच यहां जोड़ो, तीन एच जुड़ गए, जुड़ गए ना भाई, एक एक यहां पर जुड़ दिया एच, तो एडिशन किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, एंटी चल रहा है, इसका मतलब ये एंटी चल रहा है। एच यहां जोड़ो सही है, किस मतलब जाएगा ये R CH2 CH2 जाएगा ये, है ना। इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी होली, देखो ये बना क्या बना R CH2 बना, तो इस कार्बन की वैलेंसी तो पूरी हो गई, एक इधर दो हाइड्रोजन के साथ चार हो गई, इसकी पूरी नहीं हुई, इसकी पूरी कैसे हो जाएगी, बोरोन के साथ जोड़ दो, किसके साथ जोड़ दो बोरोन के साथ, तीनों को बोरोन के साथ जोड़ दो, किसके साथ जोड़ दो बोलो, सही है सर, सही है। एडिशन कैसे हुआ दोबारा बताओ, नहीं ये BH3 था और ये तीन एल्कीन एक BH3, तीनों एच कहां जोड़े बोलो CH पर, और CH2 कहां जुड़ गए बी के साथ, ये बना ना भाई ठीक है, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन आगे मैं करवाऊंगा, H2O2 का ये सॉल्यूशन भाई,
H2O2 ले रहा हूँ मैं, H2O2 का एक्वस सॉल्यूशन है ना, और मीडियम कौन सा, बेसिक बेसिक, ठीक है भाई। अब रिएक्शन ऐसे होगी, देखो HOOH RCH2CH2OH 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 कितने अल्कोहल, तीन अल्कोहल, और इधर बोलो तीन एच एच थ्री बीओ थ्री बोरिक एसिड एच थ्री बीओ थ्री तीन तो क्या बने आर सी एच टू सी एच टू ओ एच बने तीन तो, और एक क्या बाहर निकला एच थ्री बीओ थ्री बने, सही है। अब मैं कह रहा हूं ऐसे पूरा ये याद रखना ही नहीं अपन को, क्योंकि मैं बताया रिएक्शन होती कैसे भाई, ठीक है आपको तो वही फर्स्ट सेकंड याद रखना बस। दोबारा बताओ बी एच थ्री का एडिशन करवा रहे ना, बी के साथ तीन एच है, तीन एच यहाँ जोड़ दिया अपन ने, इस कार्बन की वैलेंसी तो एच से पूरी हो गई, इस कार्बन की वैलेंसी बी से पूरी हो गई, ये बन गया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ करवानी है, एच टू के साथ, ऐसे रिएक्शन होगी तो आर सी एच टू सी एच टू ओ एच आर सी एच टू सी एच टू ओ एच आर सी एच टू सी एच टू ओ एच और इधर एच थ्री इस प्रकार से रिएक्शन एच थ्री बी ओ थ्री है ना। अब यहां ये बताओ यहां से चल के डायरेक्ट बोलो H वहां जुड़ा है जहां H की संख्या कम है, यहां तो जुड़ा है H और यहां OH, पानी जुड़ा है किसके अनुसार, और आपको हमने बता रखा है परोक्साइड दिख जाए परोक्साइड हो तो, ठीक है वापस शॉर्ट में चले CH3CH2 बोलो भाई फर्स्ट तो क्या डालेंगे आप, आप B2H6THF सही है, THF सॉल्वेंट है, सेकंड आपने सही है। अब डायरेक्ट पानी जोड़ दो किसके अनुसार, या तो क्या जुड़ेगा या तो यहाँ सही है भाई। दोबारा देखें बार अपने पास एल्कीन ये है और एल्कीन से एल्कोल बना रहे हैं, तीन मेथड अपने पास, पहला मेथड दूसरा मेथड तीसरा मेथड, तीनों मेथड अपन ने पढ़े हैं। ये तीन मेथड हो गए, तीनों मेथड में केवल आप फर्स्ट सेकंड याद रखें बस, ठीक है, और रिएक्शन कैसे होगी उसकी स्टेप आपको याद नहीं रखनी, फर्स्ट या और सेकंड याद रखें। पहली सिंपल रिएक्शन तो ये है कि आप उसमें डाइल्यूट H2SO4 डालें, पानी जुड़ जाएगा किसके अनुसार, मार्कोनकोफ ये कहता है H वहां जुड़ो जहां H की संख्या, यहां तो क्या जुड़ेगा यहां, बस बोलो भाई। अब एल्किन कोई सी भी हो रहे, यहां चाहे R कितना भी बड़ा हो कैसा भी हो, ठीक है आपको ध्यान देखना है, यहां यहां तो क्या जुड़ेगा और यहां, ठीक है सेकंड मर्क्यूरिक एसिटेट का एक्वस सॉल्यूशन भाई, मर्क्यूरिक एसिटेट का एक्वस सॉल्यूशन सॉल्वेंट और सेकंड बोलो सोडियम बोरोहाइड्राइड का एक्वस सॉल्यूशन, क्षार सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है ना भाई। परोक्साइड दिख रहा है क्या कहीं, नहीं है ना, तो पानी किसके अनुसार प्रोडक्ट वही बनेगा, यहाँ पर H जुड़ जाएगा यहाँ रिएक्शन थर्ड, फर्स्ट आपने डाला क्या BH3 THF BH3 लिख देना चाहिए, हाँ P2SO4 कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना,
और सेकंड बोला आपने H2O2 H2O H- सही है। पानी जुड़ेगा किसके अनुसार? एंटीबॉडी। H वहां जुड़ेगा जहां H की संख्या कम।